डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। सो क्वेश्चन में दिया है कि ए कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन ए डाइवर्जिंग लेंस हैविंग पास्ड थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। If the lens is removed, the point where the rays meet, move 5 cm closer to the mounting that holds the lens. Find the focal length of the lens. Diverging rays हैं, तो पहले diverging rays हम बना के दिखाते हैं हमको. So, it is something like this. Diverging rays आ रही हैं. और जब deviation नहीं हो रहा है, तो ऐसे directly pass कर जाएंगी. और यहाँ पे कंकेव लेंस है, सो कुछ डेविएशन होगा और ये कुछ ऐसे पास हो रही हैं डेविएशन के बाद। सो हैविंग पास थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक दैट इज 15 सेंटीमीटर। और ये दिया है कि इफ द लेंस इज रिमूव द पॉइंट वेयर द रेज मीट मूव 5 सेंटीमीटर क्लोजर टू द माउंटिंग दैट द होल्ड्स द लेंस। 5 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, सो 5 सेंटीमीटर, सो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 15 माइनस 5, सो दिस इज समथिंग लाइक 15 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर हो गया ये डिस्टेंस। सो अब हम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला होता है लेंस लॉ दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो हमें फोकल लेंथ निकालना है, 1/f इज 1/v हमारा हो गया दैट इज 15 प्लस 15 माइनस 1/u दैट इज प्लस 10। सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 30। 1/f इज इक्वल टू, सो f इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर, जो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है ये हो जाएगा हमारा माइनस 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन।